नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मद्देश्वर और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। टीकमगढ़ में प्रदेश की तरह जिले में भी 160 जनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस मरीजों की जगह टायरों को ढोते पकड़ी जा रही है और मरीजों को हाथ ठेलों पर ले जाते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं। जब कोई एम्बुलेंस योजना का नाम महिलाओं को समर्पित करते हुए सरकार द्वारा जनी एक्सप्रेस रखा गया था, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत के चलते उक्त योजना को कमाई का जरिया बना लिया गया, इसलिए प्रदेश में जनी एक्सप्रेस एम्बुलेंस को एक ही महिला को एक ही दिन में 5 बार उपलब्ध कराया हुआ दिखाया। और टीकमगढ़ जिले में उक्त एम्बुलेंस योजना में टायरों का परिवहन कर राशि निकाली जा रही है। दरअसल 108 एम्बुलेंस और 108 जन्य एक्सप्रेस की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। कभी मरीजों से खुलेआम पैसों की मांग की जाती है तो कभी फर्जी कॉल डालकर एम्बुलेंस चलाई जाती है। अब देखने वाली बात तो यह है कि एक तरफ शासन द्वारा ये दावा किया जाता है कि सरकारी एम्बुलेंस निःशुल्क है, तो वहीं दूसरी ओर मरीजों से पैसों की मांग की जा रही है और मरीज परेशान होते हैं। लगातार टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले के वेंडरों के द्वारा फर्जी तरीके से एम्बुलेंस चलाई जाती है। एक और मामला सामने आया जिसमें जननी एक्सप्रेस में मरीज की जगह टायर रखे हुए थे और जननी एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टिंग का कार्य कर रही थी। मीडिया द्वारा सवाल पूछने पर जननी एक्सप्रेस के चालक के द्वारा यह भी कहा गया कि अधिकारियों के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर मरीज परेशान होते रहते हैं। इस मामले में टीकमगढ़ विधायक यादवेंद्र सिंह का कहना है कि कांग्रेस के द्वारा जो एम्बुलेंस के खिलाफ लापरवाही पर आरोप लगाया है वह बिल्कुल सही है। इस मामले में ये सिद्ध होता है कि लगातार लापरवाही की जा रही है और अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। विधायक का कहना है कि वह इस मामले को लेकर कलेक्टर से बात करेंगे और उन्हें पत्र भी लिखेंगे, जबकि दूसरी ओर उक्त मामला संज्ञान में लाने पर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा पुनः जांच नाम का लॉलीपॉप पकड़ाया गया है। टीकमगढ़ सीएमएचओ का प्रभार संभाल रहे पीके माहौर का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी। टीकमगढ़ से कमल राजपूत की ये रिपोर्ट। देखिए, टीकमगढ़ के पत्रकारों ने जो कल इस तरीके से एम्बुलेंस के ऊपर स्टिंग किया है, मैं समझता हूँ यह परसों जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जीता जागता उदाहरण है। एक 108 नंबर गाड़ी में टायर भर के और परिवहन का काम कर रही थी, उसमें कोई मरीज नहीं था। मैं समझता हूँ कि जब मरीज किसी एम्बुलेंस को बुलाता है या कॉल करता है तो उसके बुलाने पर नहीं जाती है, लेकिन फर्जी एक ही मोबाइल से रोज जो है एम्बुलेंस कहीं भी जाती है और कहीं से आती है, उसमें मरीज नाम की कोई चीज नहीं रहती है। ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा जो प्रदेश कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने आरोप लगाया बिल्कुल निहायत सही है और इसके ऊपर टीकमगढ़ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इसके लिए जिम्मेवार। सर, लगातार जो 108 जननी एक्सप्रेस है यहाँ पर जो महिलाओं को जो छुट्टी होती है उनसे भी 400-500 रुपये उनसे मांगे जाते हैं। कई बार वीडियो सामने आया कलेक्टर से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगा के जनता की जो लूट हो रही है इनके माध्यम से, चाहे छोड़ने का हो चाहे लाने का हो, जो पैसा वसूल किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसा कि इस बारे में अभी कुछ जानकारियां मिली हैं, मैंने भी इस बारे में पता किया, जो देखते हैं जैसे निवाड़ी में विवेक है वो देखते हैं और यहाँ एक अरुण कुमार है, उनसे मेरी बात हुई। उनका क्या ये कहना था कि जो गाड़ी के बारे में आप बता रहे हैं 9431, वो गाड़ी जो है ना ऑफ रोड थी क्योंकि उसके टायर वो बता रहे थे कि जो है ना घिसे या कुछ नहीं थे, तो उसकी वो टायर जो है ना ट्रांसपोर्टेशन से उठा के जो है ना जो सर्विस होती है इनकी वहां ले जा रहा था, ऐसा उनका कहना है। अब ये तो अब उनका जो भी है गाड़ी की स्थिति के बारे में और वो पूरा जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति थी और वो क्यों मतलब किस के उससे जो है ना कहने से या किसके ऑर्डर से जो है ना वो टायर कहाँ से उठा के और कहाँ ले जा रहे थे, ये तो पूरी जांच करके ही बता पाएंगे कि ये जो बता रहे थे विवेक या अरुण वो बात सही है या नहीं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।